नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मन पीड़ित परिवारों के बीच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। पीड़ितों की गुजरात और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका मन करुणा से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। इसमें सेना और वायुसेना की टीमें मदद कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव के काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यूपी सरकार की बड़ी पहल, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की बदलेगी तस्वीर। ब्रांड एम्बेसडर जिले के रूप में संवारे जाएंगे 34 जिले। नेपाल और दूसरे राज्यों से सटे जिले शामिल होंगे। प्रदेश में घुसते ही दिखेगी नए प्रदेश की झलक। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती को संवारा जाएगा। गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर शामिल। ब्रांड एम्बेसडर जिले के रूप में संवारे जाएंगे 34 जिले। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की बदलेगी तस्वीर। यूपी सरकार की बड़ी पहल, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की बदलेगी तस्वीर। ब्रांड एम्बेसडर जिले के रूप में संवारे जाएंगे ये 34 जिले। नेपाल और दूसरे राज्यों से सटे जिले शामिल हैं। प्रदेश में घुसते ही दिखेगी नए प्रदेश की झलक। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती को संवारा जाएगा। गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर भी शामिल है। सीमा में घुसते ही दिखेगी नए उत्तर प्रदेश की झलक। योगी सरकार सीमावर्ती देशों और राज्यों से लगने वाले प्रदेश के 34 जिलों को संवारने जा रही है। ब्रांड एम्बेसडर जिले के तौर पर विकसित हो करेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग में सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द। गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। एक महीने तक किसी अफसर को नहीं मिलेगी छुट्टी। हर दिन भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने जारी किया निर्देश। पीडब्ल्यूडी विभाग में सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर के ये फैसला लिया गया है। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। एक महीने तक किसी अफसर को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल के आ पा रही है? सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए छुट्टियां रद्द की गई हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जो खराब सड़कों को लेकर जो बदहाल व्यवस्था, उसको मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही में दिन पहले ये आदेश किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और जहाँ जहाँ पर क्षतिग्रस्त सड़कें हैं वो दुरुस्त करके उनको एकदम क्लीन किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि गड्ढों से मुक्त होगा और उत्तर प्रदेश, लेकिन उसका असर कहीं तक नहीं दिखा। सड़कों की बात की जाए तो उनकी हालत बद से बदतर अभी भी बनी हुई है। बारिश थमने के बाद ये आदेश हुआ था, ये आदेश पे अमल अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अब इसके लेकर के जितिन प्रसाद जो
मंत्री है उन पर सवाल खड़े होते हैं, मीडिया उनसे पूछ रही थी लगातार कि सड़कों की बढ़ाव व्यवस्था पर न तो आपका आपको असर दिख रहा है, हमारी आप ही गंभीर है, जिसको लेकर के पहले तो उन्होंने चुप्पी सांस ली थी। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर के मीडिया को एक प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि जल्द इसका संज्ञान लिया जाएगा। तो आज उन्होंने इस चीज का एक आदेश किया है कि 15 नवंबर तक यानी कि सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जब तक वो उसका पूरी तरीके से कार का लेखा जोखा वो देख नहीं लेंगे और दोस्ती का पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में कार सफल नहीं जाता, सड़कों की हालत में सुधार नहीं जाता, तब तक पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण अच्छा फैसला है, लेकिन ये देखना होगा जितिन प्रसाद के साथ साथ उन अधिकारियों को कि पीडब्ल्यूडी की हालतें अभी भी खराब है। अगर बात करी जाए लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर, तो कई ऐसी जगह जहाँ पर सड़कों की अभी भी बदहाल अवस्था है, 700 मीटर केवल सड़क खराब है, 7 सालों से सड़क नहीं बन पाई, 2.0 की सरकार योगी सरकार की आ गई, लेकिन 7 सालों से अब तक उस सड़क पे कोई निर्माण नहीं किया। बात की जाए अगर अंचल की पीडब्ल्यूडी विभाग की, जहाँ पर सेक्टर एल के आसपास देखिए, अब जो पीडब्ल्यूडी विभाग मैदानता हॉस्पिटल को जोड़ता है, लखनऊ को सबसे अस्पताल जोड़ते हुए है, वहाँ पर अब तक सड़कों की हालत को सुधार नहीं पाया, 7 सालों से वैसे ही हालत खराब पड़ी हुई है। और सड़कों की बढ़ाव व्यवस्था देख लिया तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लोग ऐसा नहीं कि अधिकारी देखते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी जानकारी की है, कर्मचारियों को भी है, लेकिन अब तक इसमें कोई अमल नहीं हो पाया है। और 7 सालों से वैसे ही सड़क पड़ी, अब 15 नवंबर लास्ट डेट है, क्या 15 नवंबर तक ये काम कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 15 नवंबर तक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लगातार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई अमल नहीं सुध रहा। अमल क्या है? जब मीडिया ने सवाल किया जितिन प्रसाद मंत्री से, तो जितिन प्रसाद ने ये बात कही कि हम लगातार इस चीज को लेकर के सड़कों की हालत अभी भी सबसे बदतर है। जो मैंने आपको फुटेज भेजे हैं वो देख सकते हैं कि लखनऊ के अंदर का ये मामला है, और लखनऊ के अंदर जो है सड़कों के बढ़ा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं सड़कों के, अगर कोई यात्री वहाँ से गिर जाएगा तो उसको किस तरीके से चोट लगेगी, उसको लेकर के अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई गई है। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सिमली मार के बैठे हुए, हालांकि उसकी छुट्टियां भले ही रद्द कर दी गई, लेकिन सड़कों की हालत अभी भी पूरी तरीके से बदहाल है। और ऐसे लखनऊ से राजधानी में ये हाल है, तो आम जनता जिले में क्या होगा, मुख्यमंत्री किसी एक आदेश का असर नहीं दिखा। आज दानिश, आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके दिखाया है प्रदेश की बदहाल स्थिति को, सड़कों की जो बदहाल स्थिति है उस पर ट्वीट करके अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तो विपक्ष के पास ही लगता है, विपक्ष को दबाने का पूरा प्रयास जो है लगातार सत्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन जो हकीकत है उससे रूबरू सरकार को होना पड़ेगा। नितिन प्रसाद जब गंभीर होते हैं, मीडिया के बात करने से पहले उनको नहीं मंत्रियों को अधिकारियों को मीडिया तो इस बात को साफ साफ दिख, इस वीडियो में साफ साफ ये चीज दिख रही है कि सड़कों की हालत क्या है, बढ़ाव व्यवस्था है। 700 मीटर की सड़क जब जो है सुधार नहीं हो पाया, 700 मीटर की सड़क, तो सोचिए किस तरीके से तो मुख्यमंत्री की और मंत्री की बात का असर क्या। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है दानिश, और ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया दानिश आपका ज्यादा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 300 करोड़ रुपए के कर्ज से दबा नगर निगम लखनऊ, 8 माह पहले बंद की गई योजनाएं फिर से शुरू होंगी, भ्रष्टाचार की वजह से बंद योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर है 300 करोड़ रुपए के कर्ज से दबा है नगर निगम लखनऊ, 8 माह पहले बंद की गई योजनाएं फिर से शुरू होंगी, भ्रष्टाचार की वजह से बंद योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी। करोड़ रुपए के कर्ज से दबा नगर निगम लखनऊ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 8 माह पहले बंद की गई योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी।
भ्रष्टाचार की वजह से बंद योजनाएं फिर से शुरू होंगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 300 करोड़ रुपए के कर्ज से दबा नगर निगम लखनऊ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? 300 करोड़ रुपए के कर्ज से लखनऊ नगर निगम दबा हुआ है। कर्ज में तो उत्तर प्रदेश डूबा हुआ है और डूबने के साथ साथ विकास का भी संजय डूब गया। अब रही बात की जाए लखनऊ नगर निगम की, तो 300 करोड़ रुपए नगर निगम दबाव रखी हुई है और इसको लेकर के 8 माह पहले जो उसकी योजनाएं थी वो बंद कर दी गई। अब फिर से शुरू हो रही योजना और भ्रष्टाचार की वजह से योजना बंद करी गई है। इसको लेकर के अब फिर से इस योजना में शुरुआत की जा रही है और शुरुआत करने के साथ साथ इसे देखनी होगी कि किस तरीके का ये मामला है, क्या करेंगे। लखनऊ नगर निगम की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है लखनऊ नगर निगम का और नगर निगम में करीबन बात की जाए तो लखनऊ की सबसे मतलब कैपिटल में ये सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम माना जाता है और इसको वाराणसी के बाद सबसे पहला दर्जा दिया गया है। तो लखनऊ नगर निगम में अगर विकास की बात चल रही है तो 300 करोड़ रुपए का जो मामला था उसमें जो है कर्ज में लखनऊ नगर निगम जो है दबा हुआ था और 8 माह पहले बंद की गई योजना है वो फिर से शुरू होगी। भ्रष्टाचार की वजह से इसको बंद किया गया था, यानी मंत्री इस बात का गंभीर है कि जीरो टॉलरेंस की बात है भ्रष्टाचार को लेकर के, वो भ्रष्टाचार की गंभीरता को देखते हुए 8 महीने पहले योजना बंद करी गई थी, इसको फिर से चालू किया जाएगा। हालांकि ये फैसला स्वागत योग जरूर है लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि इन योजना में जो शुरुआत की जा रही है कहीं उसमें फिर से करप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बजट 300 करोड़ रुपए का है और 300 करोड़ रुपए के पूरे पूरे योजना में लागू होंगे या फिर संचारपात शुरू होगा। जी बिल्कुल दानिश, 300 करोड़ रुपए के कर्ज से दबा है नगर निगम और 8 माह पहले बंद की गई योजना फिर से शुरू होंगी, तो क्या ये प्रदेश सरकार कैसे इन 300 करोड़ रुपए को वहन करेगा? देखो उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज तो साफ हो रही है धीरे धीरे, मुख्यमंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री गंभीर सबसे गंभीर न होते तो 300 करोड़ रुपए का जो बजट है ये 8 माह पहले बंद न किया जाता और फिर से चालू करना, यानी कहीं ना कहीं जैसे दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर ईमानदारी से काम होगा और सही तरीके से काम होगा तो योजनाओं में आपको अमल में लाया जा सकता है। इसको लेकर के नगर निगम पहले से 300 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था, अब 8 महीने बाद ये योजना शुरू की जा रही है। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है तो मुझे लगता है सरकार फिर कोई ना कोई बजट का प्रस्ताव नगर निगम को देगी। अगर नगर निगम को प्रस्ताव आता है तो जाहिर सी बात है लखनऊ वासियों के लिए तो जाएगा, तो इसको लेकर के बात गंभीर है और इसको नगर निगम के कर्मचारियों को ये भी समझना होगा, ठेकेदारों को ये जो योजना का लाभ है ये जन आम जनमानस को मिलना चाहिए और पूरी ईमानदारी से रिश्ते से काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, शुक्रिया दानिश आपका ज्यादा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे। प्रदेश को इसी हफ्ते मिल जाएंगे 30 नए आईपीएस अफसर, पीपीएस से प्रोन्नति हुए हैं ये अधिकारी। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। आईपीएस बनने वाले अधिकारियों में 1992 बैच के पीपीएस अधिकारी शामिल हैं, 1993 बैच के पीपीएस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में इसी हफ्ते मिल जाएंगे 30 नए आईपीएस अफसर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में इसी हफ्ते मिल जाएंगे 30 नए आईपीएस अफसर, पीपीएस से प्रोन्नति हुए हैं ये सभी अधिकारी। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। आईपीएस बनने वाले अधिकारियों में 1992 बैच के पीपीएस अधिकारी शामिल हैं, 1993 बैच के भी पीपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 30 नए आईपीएस अफसर मिलेंगे, पीपीएस से प्रोन्नति हुए हैं ये सभी अधिकारी। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।